अगली कैलकुलेशन जो हम देखेंगे वो होगी बाजार कीमत पर कुल यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की और साथ ही साथ शुद्ध घरेलू उत्पाद की कैलकुलेशन हम बाजार कीमत पर देखेंगे। अभी हमने राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में देखा, अब हम देखेंगे घरेलू उत्पाद के बारे में। दोनों की कैलकुलेशन हम देखेंगे बाजार कीमत पे, मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पर जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे, तो जब बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमने पहले जाना, एक वर्ष में, एक निश्चित वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके अंतिम मूल्य से हम इसका आकलन करते हैं। तो ठीक इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि इसकी गणना करने के लिए हम उत्पादित वस्तु की मात्रा जो है उसको हम उस समय के बाजार कीमत से गुणा कर देंगे और इसके आधार पर हम बाजार कीमत पर आधारित कुल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद की कैलकुलेशन करेंगे। यानी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जीडीपी इक्वल टू P1 इंटू क्यू प्लस P1 इंटू एस। यहाँ हम देखते हैं कि जीडीपी एमपी जो है वो है बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद और साथ में हम यहाँ पर P1 देख रहे हैं, P1 जो है वो बाजार कीमत है, क्यू जो है वो अंतिम वस्तु की मात्रा है और एस यानी सर्विस सेवाओं को प्रदर्शित करता है। आइए इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें NDPFC ज्ञात करना है, यानी हमें नेशनल डोमेस्टिक प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है और कुछ मदें दी गई हैं जैसे GNP, MP, करोड़ रुपए में ये मदें हैं 58,350, अप्रत्यक्ष कर 2,590, आर्थिक सहायता 1,550, घिसावट 1,625 और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 240 माइनस में। यहाँ पर क्योंकि हमको साधन लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी ऑन फिक्स कॉस्ट निकालना है जिसका फॉर्मूला होगा जीएनपीएफसी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता माइनस घिसावट माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे GNPFC 58,350 दिया हुआ है, इसमें हम माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर 2,590, प्लस कर देंगे आर्थिक सहायता यानी 1,540, माइनस कर देंगे घिसावट यानी 1,625 और फिर इसमें हम माइनस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 240 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको NDPFC जो है वो 55,915 करोड़ रुपीस यहाँ पर प्राप्त होता है। निम्न सूचनाओं के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP MP और NDPFC ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं और उनके लिए दिए गए मूल्य करोड़ रुपए में दिए गए हैं। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 97,503 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय -201, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 10,576, स्थायी पूंजी का उपभोग 5,699। NDPMP इक्वल टू GNPMP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि GNPMP यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 97,503 करोड़ बुक में क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें हम माइनस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जिसे हम NFIA कहते हैं, जो कि माइनस में हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है -201 और इसके बाद हम इसमें माइनस कर देंगे स्थायी पूंजी का जो भोग किया गया है 5,699। इसके कैलकुलेशन से हमें NDPMP प्राप्त हो जाएगा 92,005 करोड़ रुपीस। इसी तरह हम NDPFC ज्ञात कर लेंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे NDPMP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर NDPMP क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है
92,005 और इसमें से अब हम माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो कि 10,576 है, तो NDPFC हमें 81,429 करोड़ रुपीस प्राप्त हो जाएंगे। एक फर्म से संबंधित निम्न सूचना के आधार पर उस फर्म का हमें GNP, NNP और NNPFC में अंशदान ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ मदें दी गई है और उनकी राशियां दी गई है। 1 जनवरी 2001 को निर्मित वस्तुओं का प्रारंभिक स्टॉक 20,000 रुपए, 1 जनवरी 2001 को बचे माल का प्रारंभिक स्टॉक 15,000 रुपए, वर्ष 2001 के दौरान फर्म की बिक्री 60,000 रुपए, 31 दिसंबर 2001 को अंतिम स्टॉक 18,000, वर्ष 2001 में कच्चे माल की खरीद 20,000 रुपए, 31 मार्च 2001 को कच्चे माल का स्टॉक 18,000, वर्ष 2001 के दौरान पूंजीगत स्टॉक में टूट फूट 2,500, वर्ष 2001 में फर्म द्वारा सरकार को अप्रत्यक्ष करों का भुगतान 5,500। यहां पर क्योंकि सबसे पहले हमको GNP की कैलकुलेशन करनी है, तो GNP की कैलकुलेशन के लिए हम किन किन मदों को यहाँ पर फॉर्मूले में प्रयोग में लाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम वर्ष 2001 के दौरान फर्म की बिक्री और 31 दिसंबर जो कि 60,000 है, और फिर 31 दिसंबर को उसका क्लोजिंग स्टॉक जो कि 18,000 है, और फिर 31 दिसंबर 2001 को कच्चे माल का स्टॉक 18,000, इसको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो बिक्री और स्टॉक है उन सबको हम प्लस कर लेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे जो ओपनिंग स्टॉक्स है। जैसे फर्म 1 जनवरी 2001 को निर्मित वस्तुओं का ओपनिंग स्टॉक था 20,000, 1 जनवरी 2001 को बचे हुए माल का ओपनिंग स्टॉक था 15,000, और उसके बाद फिर वर्ष 2001 में कच्चे माल की खरीद थी 20,000, तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 96,000 में से हम 55,000 माइनस कर देंगे, तो ये 41,000 यहाँ पर हमारा NNP जो है वो हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 41,000 जो हमारा GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। सेकेंड हमको NNP ज्ञात करना है, तो NNP का हमारा साधारण सा फॉर्मूला है GNP माइनस घिसावट व्यय, क्योंकि GNP हमने अब कैलकुलेट कर लिया है 41,000, तो GNP में से हम 2,500 जो घिसावट व्यय प्रश्न में दिया गया है टूट फूट पर, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमको NNP 38,500 ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह NNPFC ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर, तो यहाँ पर हमने अभी NNP ज्ञात किया है 38,500 और इसमें से प्रश्न में दिए गए अप्रत्यक्ष कर को हम माइनस कर देंगे, तो हमको ये 33,000 NNP ज्ञात हो जाएगा। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर हमें यहाँ बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और व्यक्तिगत आय की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ कुछ मदें दी गई हैं और उनकी राशि करोड़ रुपए में दी गई है। NDPMP 74,905 करोड़, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 8,344 करोड़, घरेलू उत्पाद से सरकार की अर्जित आय 1,972 करोड़ रुपए, शुद्ध विदेशी अधिशेष 332, अवितरित व्यवसायिक लाभ 1,305 और घिसावट व्यय 4,486। सबसे पहले यहाँ पर हम GDPMP की कैलकुलेशन करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे NDPMP प्लस घिसावट व्यय, क्योंकि ग्रॉस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और नेट वो तब कहलाता है जब ग्रॉस में हम घिसावट व्यय माइनस कर देते हैं, तो वापस GDPMP ज्ञात करने के लिए हमको इस घिसावट व्यय को इसमें ऐड करना होगा, यानी कि NDPMP दिया गया है 74,905, इसमें अगर हम घिसावट व्यय प्लस कर देंगे 4,486,
तो 79,391 जीडीपीएमपी हमको ज्ञात हो जाएगा। दूसरा, जब हमें साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की कैलकुलेशन करनी हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एनडीपीएमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शुद्ध विदेशी अधिशेष। यहाँ हम देखते हैं कि एनडीपी प्रश्न में 74,905 करोड़ रुपया दिया गया है, इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो कि प्रश्न में 8,344 करोड़ रुपया दिया गया है माइनस करेंगे, और इसमें हम प्लस कर देंगे शुद्ध विदेशी अधिशेष जो कि माइनस में यहाँ पर दिया गया है, और जब हम इस ब्रैकेट के को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा फिर से 32, और इसकी कैलकुलेशन करने पर ये हमें 66,329 करोड़ रुपए प्राप्त होगा साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। व्यक्तिगत आय के कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत आय जो है वो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है और सरकार की जो अर्जित आय होती है, अब क्योंकि व्यक्तिगत आय में से साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में से सरकार की अर्जित आय और अवितरित व्यवसायिक लाभ इसमें से घटे हुए होते हैं, इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए हम इनको यहाँ पर घटा देंगे। तो हम प्रश्न में देख रहे हैं कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय दिया गया है 66, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पहले हमने कैलकुलेशन की थी साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की और हमें प्राप्त हुआ था 66,329। इसमें से हम सरकार द्वारा अर्जित आय यानी कि 1,972 और अवितरित व्यवसायिक लाभ यानी कि 1,305 माइनस कर देंगे, तो ये जो आय होगी 63,052 ये व्यक्तिगत आय कहलाएगी। अब इसी आधार पर जब हम बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो जिस तरह हमने राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में देखा था कि सकल से शुद्ध करने के लिए हमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट उसमें माइनस करना पड़ा था, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जब हम सकल घरेलू उत्पाद की कैलकुलेशन बाजार कीमत पर करते हैं तो उसके आधार पर हम बहुत आसानी से शुद्ध घरेलू उत्पाद की कैलकुलेशन बाजार कीमत पर कर लेते हैं। यहाँ हम जो हमें एनडीपी एट एमपी मिला है उसमें से हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि एनएफआईए को माइनस कर देंगे और यहाँ हम एनडीपी एट एमपी यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस ज्ञात कर लेंगे। अब घरेलू उत्पाद की बात अभी हम बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस पे कर रहे थे, जब हम इनकी कैलकुलेशन साधन लागत पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तो इनके कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं आइए देखते हैं। जब हम साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो इन वस्तुओं सेवाओं में जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना कि उत्पादन के जो पांच साधन होते हैं भूमि श्रम पूंजी संगठन और साहस, इन सभी उत्पादन के साधनों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले प्रतिफल मिलता है, एक निश्चित प्रतिफल मिलता है। जैसे कि भूमि का जो स्वामी है भूमिपति है, उसको क्योंकि उसने अपनी भूमि हमको उपयोग के लिए दी है तो बदले में उसको प्रतिफल के रूप में लगान मिलता है। पूंजी जो जिसने लगाई है, पूंजीपति जो है उसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके बहुत सारा त्याग करके हमें उसने पूंजी दी है तो बदले में वो जो प्रतिफल प्राप्त करता है उस प्रतिफल को हम उस ब्याज के रूप में देते हैं। इसी प्रकार हम जो श्रमिक होते हैं उनका प्रतिफल मजदूरी के रूप में देते हैं, वेतन हम देते हैं संगठनकर्ता को वेतन के रूप में, और लास्ट में जो बच जाता है वो साहसी का हिस्सा होता है जो कि लाभ या हानि के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन के इन साधनों को जो प्रतिफल प्राप्त होता है वास्तव में उसी को हम साधन आय या फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब
अब जब इन साधन आय की गणना करने के लिए जब हम कुल घरेलू उत्पाद के आधार पर जब हम इनकी गणना करते हैं तो यहाँ पर घिसावट व्यय जो होता है, क्योंकि हम कुल यानी कि सकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ घिसावट व्यय को हमको यहाँ पर जोड़ना होता है। ओवरऑल एक फॉर्मूला जो हम इसका बना लेते हैं वो हो जाता है साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद यानी GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP प्लस डेप्रिसिएशन यानी शुद्ध साधन आय प्लस घिसावट। क्योंकि अभी तक शुद्ध साधन आय अगर थी हमारे पास, अब उसको हमको कुल करना है, सकल करना है, तो अब उसमें हम घिसावट व्यय को ऐड कर देंगे। अब जिस तरह से साधन लागत पर हमने कुल घरेलू यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के कैलकुलेशन की बात की, उसी कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। NDP एट फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हम NDPFC इक्वल टू NNPFC माइनस NFIA के आधार पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि NDPFC जो है वो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, NNPFC जो है वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, NFIA जो है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। आइए इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं।